हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को और जानेंगे कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में इन वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन वो आया विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको नेट जेड स्लेट क्वालिफाई होना जरूरी है और अगर आप पीएचडी पास हैं बिफोर 2009, लाइक अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो पीएचडी में है वो बिफोर 2009 से पहले है, तो आपको यहाँ पे नेट स्लेट या जेड पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए एक अच्छी चीज़ यहाँ मेंशन कर रखी कि आपका स्टाइपेंड वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो पर लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको 600 रुपीज़ दिए जाएंगे और मैक्सिमम आप 36,000 पर मंथ जो है वो जो है यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो रोस्टर वाइज, यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई वो रोस्टर वाइज सेंक्शन की बेस पे निकाली गई, यानी रोस्टर वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 9 है, एससी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2 है, ऐसे ही ओबीसी 2 के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए यानी कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2 है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज है वो सब यहाँ पे जो है आप इजिली देख सकते हैं और इसी के बेस पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाइक सब्जेक्ट में वैकेंसी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे दे रखी, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ मैंसन कर रखा है, तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली वो सब देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर डिग्री किया है तो आप उस सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सिवली आप अप्लाई करिए। अब देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो हमारा जो दूसरा नोटिफिकेशन आया वो एम्ब्रेज एक्सेलेंस से। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन मांगा गया फैकल्टी पोजिशन के लिए, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सब के लिए जो वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो अगर हम बात सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लाइक बीटेक रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इन सब के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2021 रखी गई है। तो यहाँ पे आपको जो है बिफोर लाइक 1 मार्च 2021 से पहले जो है आपको इसके लिए जो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फैकल्टी लाइक अगर बात करें स्टाइपेंड की, तो वो एज पर आपको जो है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा या एआईसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जो है आपको लाइक स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।